हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ कच्चे नारियल से बनने वाली लड्डू, जो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए कितना प्यारा बना है, ये देखिए, वाओ, ये देखिए कितना प्यारा बना है। तो ये आप नवरात्रि में बना सकते हैं, अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है तो आप इस पे ये बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपने तो सूखा नारियल का आपने बहुत ही लड्डू बनाया होगा, लेकिन मैं आज आपको कच्चे नारियल की लड्डू बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, नारियल मैंने अच्छे से निकाल लिया। अब इसे इसका हमें छिलका निकालना है। इस तरह हम इसे छिलका को हटा लेते हैं, एक भी छिलका हमें नहीं रहना चाहिए। इस तरह हम सभी को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से छील लिया है, इसका सारा मैंने जो छिलका था उतार दिया। अब ये देखिए, जो छिलका था ये देखिए पूरा निकल चुका है। अब इसे हम मिक्सर जार में जाकर दरदरा पीसना है। इसे बारीक नहीं पीसिएगा, बारीक पीसिएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, नारियल नहीं लगेगा, नारियल का लड्डू मुंह में खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसे हमें दरदरा पीसना है। तो इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरह से दरदरा पीस चुके हैं। ये देखिए इतना दरदरा हमें पीसना है, आप देख सकते हैं, ज्यादा हमने बारीक नहीं पीसी है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक हम पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी। ये देखिए, ज्यादा हमने घी नहीं डाला है। अब इसे गर्म होने देते हैं। ये देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इस नारियल को इसमें डाल देंगे। और घी हमने इसलिए दिया है, नारियल में तो पहले से ही तेल रहता है, लेकिन घी हमने स्वाद के लिए दिया है, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा घी के लिए। तो इसे हमें सुनहरा होने तक भूनना है। ये देखिए, मैंने इसे धीमी आंच पर ही इसे अच्छे से मैंने भुना है। आप तेज आंच पे ना भुने, नहीं तो कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो मैंने 5 से 7 मिनट में इसे भुना है। तो ये सूंधी सूंधी खुशबू इसकी आने लगी है। तो अब इसमें मैं डालूंगी चीनी, पिसी हुई चीनी। ये देखिए, इस कटोरी से हमने एक कटोरी नारियल हमारा हुआ था, तो उस कटोरी से हमें आधी कटोरी लेनी है चीनी। तो अब ये डाल दूंगी मैं इसमें और इसे अच्छे से भुनना है। और चीनी हमें पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें दूध या मलाई भी दे सकते हैं, दूध की जो मलाई होती है आप उसे भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं 4 इलायची को अच्छे से बारीक कूट ली हूँ और इसे डाल देंगे। ये देखिए, सारी चीनी हमारी एब्जॉर्ब हो चुकी। तो ये देखिए, चीनी हमारा अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो चुका है और पानी भी अच्छे से सूख चुकी है, कढ़ाई भी देख सकते हैं ये छोड़ चुका है। तो अब इसे 2 मिनट और हम इसे भुनेंगे और गैस के फ्लेम को हम करेंगे बंद 2 मिनट के बाद। तो ये देखिए, अब ये अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसका लड्डू हम बनाएंगे। अब इसे मैं ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इसका लड्डू हम तैयार करेंगे। तो गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और ये अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसकी लड्डू मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। आपको जितना बड़ा लेना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बड़ा ये छोटा ये आपके ऊपर है। तो ये देखिए, लड्डू को हम अच्छे से बना देते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह हम सारा लड्डू बना लेते हैं। मैंने देखिए 2-3 लड्डू बना के रखा है, अब इसी तरह सारा हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, मेरी लड्डू बनके तैयार है और मैंने थोड़ी सी इसे सूखी हुई नारियल के बुरादे से मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है, देखने में अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है। और ये बहुत ही खाने में लाजवाब और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जलने वाली बनने वाली रेसिपी है। तो मेरी ये आप इसे नवरात्रि में भी यूज कर सकते हैं, अभी नवरात्रि स्पेशल स्टार्ट होने वाली है तो आप इस पे यूज कर सकते हैं। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे घंटी जरूर दबाएं, तभी हमारा नया नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और एक लाइक जरूर करें, लाइक करने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।